नेम वेलकम टू एज एकेडमी। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, कि भाई CO2 ऑक्सीजन कैसे जाता है हार्ट से बॉडी में कैसे पहुंचता है उसके बारे में। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने कुछ बताया कि भाई ह्यूमन मतलब एनिमल और कैसे प्लांट अपना क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आज पहले पढ़ते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग या ह्यूमन, ठीक है। देखिए द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, अब इसमें कहते हैं कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आता है तो एक बात हमारा टॉपिक क्या शुरू हो जाता है, हमें एक कोई ऑर्गन की बात होने लगी, भाई हमारा एक ऑर्गन है जो क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है, जैसे हार्ट हमारा एक क्या प्रकार है, मतलब प्रकार का भाई हमारा हार्ट ही क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही काम करता है। जैसे मतलब हार्ट का काम है ब्लड का फ्लो करना, ठीक है। हार्ट हमारा कितने टाइप चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा 4 चैम्बर उसके अंदर कुछ कुछ एक्टिविटी है, ठीक है। तो मेन काम है हार्ट का ब्लड का फ्लो कराना, मतलब आएगा फिर बॉडी में ले जाएगा फिर उसके बाद कलेक्ट करके क्या करेगा फिर भेजेगा। तो कहने का मतलब है ब्लड का फ्लो कराना। अब ब्लड की बात यदि आता है तो ब्लड में हमारे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन की बात करा तो भाई ऑक्सीजन में ब्लड डिजॉल्व होता है, यूरिया होता है, मतलब नाइट्रोजन होता है जो बाद में क्या करता है यूरिया बन जाता है। तो कहने ब्लड में बहुत सारे एलिमेंट मिले होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं जो क्या होता है हमारे ब्लड में ही डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं, यदि हम हार्ट की बात करें तो पहले देखिए द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन इज द कंपोज ऑफ द कार्डियक मसल इन ह्यूमन बॉडी। कहते हैं जो ह्यूमन की जो बॉडी है जो उनका जो हार्ट है जो ऑर्गन हार्ट है वो हमारा कैसा होता है, मस्कुलर होता है, ऑर्गन होता है, ये कंपोज बाई कार्डियक मसल। कैसी मसल होती है, कार्डियक मसल। हम लोग यदि मसल की बात किया जाए तो स्मूल मसल भी होता है, कार्डियक मसल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कौन सा मसल बना है, कार्डियक मसल बना है, उससे बना हुआ कौन हमारा हार्ट। आगे देखिए कहते हैं कि हार्ट हमारा अप्रॉक्स कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर। यदि हम देखा जाए तो हमारी यदि मेरा चेस्ट यदि दिखाया जाए तो हमारी जो मुट्ठी होती है उसके बड़ा हमारा हार्ट होता है। तो कहने का मतलब है द हार्ट साइज इज द 12 सेंटीमीटर, मतलब लगभग कितने इंच का, 5 इंच का इन द लेंथ, मतलब उसकी लंबाई। यदि मैंने हार्ट है यदि ऐसे मत लीजिए, ऐसे पूरे लाइन के समझ गए हैं, तो क्या हमारा हार्ट है तो इंच हमारा क्या वाइड, मतलब चौड़ाई कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर, 3.5 इंच का होता है। और डीप मतलब थिकनेस, मतलब क्या मतलब मोटाई कितनी होती है, तो देखिए मोटाई हमारी होती है 6 सेंटीमीटर एंड 2.5 इंच का होता है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए इन ह्यूमन अदर मैमल एंड बर्ड देयर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। कहने यदि मैमल्स की बात करिए, हमारा हम लोग एक प्रकार मैमल्स है, ठीक है। तो कहने जो ह्यूमन अदर मैमल्स बर्ड देयर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, हमारा कहने मतलब 4 चैम्बर, अपर लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया एंड लोअर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो कहने का मतलब हमारे इतने कितने प्रकार 4 चैम्बर्स होते हैं, समझ में आया। यदि रेप्टाइल एम्फीबिया की बात किया जाए तो उनके कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। यदि और समझ, यदि हम फिश की बात करें तो उनका कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर। तो एक समझिए जो हमारे ह्यूमन होते हैं उनको ड्यूबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि मतलब हमारे पास 4 चैम्बर है तो कहने दो क्या आएगा और दूसरा ले जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं और फिश में 1 सिंगल होते हैं, समझ में आया। यदि रेप्टाइल उसकी बात किया ये भी क्या ड्यूबल होते हैं, ठीक है। वैसे ध्यान दीजिए हमारा क्या ह्यूमन क्या है, ड्यूबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं, अब कह रहे भाई हार्ट का पोजीशन क्या है कि हमारे बॉडी में यदि पूछा जाए कि आपका हार्ट किस जगह पे रखा बॉडी पे है, तो देखिए सुनिए द हार्ट इज द लोकेटेड बिटवीन द योर लंग्स, मतलब लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इन द मिडिल ऑफ योर चेस्ट, चेस्ट के बीचों बीच में यहाँ पर, ठीक है, बिहाइंड एंड स्टेली एट देम लेफ्ट बाई योर ब्रेथ ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन स्टर्नम। कहने का मतलब जो हमारी मान लीजिए, मैं ही बताता हूँ, हमारा ये है, यहाँ हमारा एक स्टर्नम हड्डी है। नहीं समझ में आता तो डायग्राम से देखेंगे तो एकदम समझ में आएगा। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे बॉडी है, मैंने ना पूरा बॉडी ना देखे कि हाँ हमको जहाँ तक भाई हार्ट को देखना है, तो मैंने ये कहा हमारी ये ऑर्गन बॉडी है, बीचों बीच में हमारा क्या हार्ट है। अब हार्ट दिख रहा है तो भैया कह रहा है किसके प्रेजेंट में है, तो ध्यान दीजिए ये हमारा हार्ट है, क्या ये हार्ट, समझ में आया। अब हमारा कह रहा है किसके बीच में रखा हुआ, ये लंग्स हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिए ये लंग्स है, ठीक है,
और ये हमारा यहाँ पर हार्ट है। तो कहने का कितने बिटवीन, कितने समझ में आया, लंग्स के बीचों बीच में रखा है। अब कहने ध्यान दीजिए, अब कह कोई बोन है, चेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। अब भाई ये जो इससे ऊपर रखा हुआ प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारा स्टर्नम है, हमारे लंग्स क्या लंग्स नहीं हार्ट को क्या कहता है, प्रोटेक्ट मतलब बचाव करता है। ये देखिए हमारा स्टर्नम है, समझ में आया, चेस्ट के बीचों बीच को स्टर्नम बोलते हैं। कहने का मतलब है जो रिस्क क्यों आती है, जो हमारा रिस्क जो सामने वाला थोरैक्सिक पार्ट होता है वो क्या होता है, इससे जुड़े होते हैं। ये हमारा रिस्क क्या है, इससे स्टर्नम जुड़ा होता है। तो कहने की जैसे कोई चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कोई चीज़ पक्षी को यदि बचाना है तो उसके क्या करें, जाली लगाते हैं ना, तो वैसे क्या हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रकार के क्या पिंजड़ा बना हुआ है। जो पिंजड़ा क्या होता है, जिसको जोड़ता है दरवाजे टाइप में, वो स्टर्नम होता है। और जो साइड से जो जुड़े हैं, ये देखिए ये हमारे क्या रहते हैं, ये रिप्स हैं, ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब हार्ट का लोकेशन आपको समझ में आ गया कि हमारा हार्ट किस पोजीशन पे है। यदि स्टर्नम की बात आए तो क्या होता है, चेस्ट के बीचों बीच में क्या होती है, बोन, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ कॉलर बोन, यहाँ देखिए कॉलर बोन है, समझ में आया। जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, यदि बोन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये सबके बारे में हम एक एक बोन के बारे में बताएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा कि किस जगह हमारा हार्ट होता है। आइए आगे देखते हैं, प्रेजेंट इन द ब्लड। अब हमने तो हार्ट के बारे में देख लिया, हार्ट कैसे कितनी साइज को तो क्या करता है, ठीक है, समझ में आया होगा। आइए हम लोग ब्लड इन द प्रेजेंट इन द ब्लड, अब कहते हैं जब हार्ट का काम क्या, ब्लड को फ्लो कराना, मतलब ब्लड को ही क्या करेगा, पहुँचाए ना या पंप करना, ठीक है। आइए देखते हैं पहला, ब्लड, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक फ्लूइड है जो हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। यदि पूछा जाए कौन सी टिश्यू है, तो आप बोलेंगे भैया कौन सी टिश्यू होगी, कनेक्टिव टिश्यू होती है ब्लड। द प्ले इन द रोल ऑफ द कैरी फ्रॉम वेरियस सब्सटेन इन द बॉडी, ब्लड क्या करता है, कैरी करता है सब्सटेन, मतलब मैंने कहा ना ब्लड में बहुत सारे मिले होते हैं, मिनरल न्यूट्रिशंस, मतलब हमारी बॉडी में जो भी एब्जॉर्ब होता है उसी में ब्लड में ही होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हो या CO2 हो, ठीक है, या ग्लूकोज कुछ भी हो, इसमें होता है, ब्लड के अंदर है। तो ब्लड का काम क्या, कैरी कराना, मतलब सब्सटेन को बॉडी में पहुँचाना। भाई बॉडी में जो ज़रूरत पड़ेगी ब्लड ही तो पहुँचाएगी, हम तो जाकर पहुँचा नहीं देंगे कि भाई हाथ को चाहिए नदी तो रोटी डायरेक्ट यहीं लगा देंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं, वो बॉडी की एक्टिविटी करना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, हम देख कह रहे हैं ब्लड कंस्टिट्यूट ऑफ द फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड प्लाज्मा ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, कहने ब्लड में हमारे लगभग कितने प्रेजेंट होते हैं, इतने चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होती हैं, ब्लड भी होता है, ब्लड सेल जिसके बोलते हैं प्लेटलेट, समझ में आया। अजय जी प्लाज्मा कहते हैं कि हमारे बॉडी के यदि कह रहे कितने परसेंट वाटर है, 90% वाटर होता है, यदि समझ में आगे पढ़ाएंगे क्या, यदि ब्लड सेल की बात किया जाए तो हमारे ब्लड सेल दो होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल होता है, एक रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो हमारा मेन काम करता है उसे हीमोग्लोबिन का, क्या होता है वो रेड कलर का होता है, क्या होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ के कहाँ तक ले जाएगा, हार्ट से पूरे ऑर्गन बॉडी में ले जाता, पहले हार्ट में जाएगा फिर हार्ट से कहाँ ले जाएगा, पूरे बॉडी में ले जाएगा, ठीक है, समझ में आया। प्लेटलेट तो अच्छा काम है, समझ में आया, आइए इसे प्लेटलेट के बारे में भी आगे समझेंगे। आइए देखते हैं, अब मैंने कहा ना, अब देखिए RBC हो या WBC, ब्लड प्लेटलेट इज द सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब कहने मतलब या RBC हो मतलब रेड ब्लड सेल हो, या WBC वाइट ब्लड हो, या प्लेटलेट इज द सॉलिड कंपाउंड, कहने का मतलब यदि ब्लड में है तो क्या किस काम में है, लिक्विड में नहीं होंगे ये, सॉलिड में रहेंगे, ठीक है, कंकर रूप में दिखेंगे। यदि हमने नहीं देते एनाटॉमी देती 3D डायमेंशन देखा जाए YouTube पे कहीं सर्च करें तो आप ये दिखेगा, ठीक है, सॉलिड रूम में, जैसे कि मैंने कहा ये जैसे RBC को देखना है, रेड ब्लड सेल को देखा है, तो आपने कभी देखा है एल्पिन लेवी खाया होगा, नहीं हो तो भाई एल्पिन लेवी खा लेना, बिकॉज सेम टू सेम जैसे गोली रहे तो बीच में पिचकी रहती है, वैसे क्या होता है RBC दिखाई देता, मतलब रेड ब्लड सेल क्या कहते हैं उसी शेप में दिखाई देता है, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं, प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट, यदि प्लाज्मा की बात करें तो हमारा कैसा ये लिक्विड है, लेकिन WBC RBC प्लेटलेट हमारा क्या सॉलिड है, मेन ध्यान दीजिएगा, ये क्या तीनों सॉलिड है लेकिन प्लाज्मा एक ऐसा क्या है लिक्विड है, समझ में आया। कहते हैं कि हमारे जो ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा इसी का होता है, ठीक है, प्लाज्मा का। आइए आज देखते हैं, अब मैं क्या रेड ब्लड सेल के मैंने अभी RBC का फुल फ्लेम यही है, ये देखिए रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट, इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, द कैरी बाय द भाई एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल, समझ में आया। तो देखिए कैरी बाय द गैस, अब गैस कैसा,
ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, तो कंटेन द हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल। कमर मैंने कहा यदि रेड भाई बॉडी के अंदर रहता है तो हार्ट में मेन काम है ना, मैंने अपने रेस्पायरेशन में देखा था कि लंग्स के बाद हार्ट में जाता है ऑक्सीजन और जब वापस आता है लंग्स में वो CO2 फॉर्म में आता है, समझ में आया? तो ये वही है, समझ में आया? कंटेन द हीमोग्लोबिन इन द रेड कलर। हीमोग्लोबिन कैसा किस कलर का दिखाई देता है? हीमो, समझ में आया, मतलब रेड कलर में दिखाई देता है। हीमो मतलब आयरन, ठीक है, आयरन हमेशा रेड कलर में होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं WBC के बारे में। WBC एक वाइट ब्लड सेल होता है जो क्या करता है, जैसे डिफेंसी से लड़ने के, यदि कई आदमी बीमार होता है तो क्या है? उसकी WBC यदि अच्छी है तो इम्यूनिटी क्या अच्छी होती है, तो क्या करता है, लड़ता है। जो क्या करता है, जब कोई बीमारी से लड़ता है तो क्या हमारा बॉडी वो क्या WBC क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, समझ में आया। द प्रोवाइड द बॉडी डिफेंसी और द एक्सपेंड द जर्म सेल एंड द प्रोवाइड प्रोड्यूसिंग बाई एंटीबॉडी। भाई जो हमारे जो बीमारी लड़ने की जो ताकत क्षमता बनाती है वो क्या बनाती है, WBC, ठीक है। आगे देखिए ब्लड प्लेटलेट यथ, अच्छा इसका WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। यदि आपसे पूछा जाए WBC का दूसरा नाम क्या है, हमारा ल्यूकोसाइट होता है। आइए हम लोग प्लेटलेट या थर्मोबायोसाइटिक्स मतलब समझ लीजिए, ठीक है। द हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, अब प्लेटलेट्स का काम है कि ब्लड क्लॉटिंग करना। ब्लड क्लॉटिंग मतलब मजे के मान लिया कोई है इंजरी हो गई, ठीक है, तो ब्लड क्या करो, क्या थक्का बनता है, तभी नहीं समझ, जैसे मैंने हम लोग हमारी कार पीट जाती है तो एक येलो कलर विश दिखता है, पानी टाइम निकलता है, वो क्या होता है, प्लेटलेट है। प्लेटलेट क्या करता है, कुछ देर तक ब्लड निकलता फिर वो क्या सीरम का टाइप जम जाता है, फिर उसके क्या रोक ले, तो जो पानी टाइप निकलता है वो हमारा क्या है, ब्लड है, मतलब प्लेटलेट है, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं अब द प्लाज्मा की बात। मैंने कहा था ना हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर जो है सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, प्लाज्मा की। ये लाइन समझिएगा तो एकदम समझ जा। प्लाज्मा इन द येलो कलर फ्लूइड मतलब लिक्विड है, मैंने यहाँ देखा ना, देखा क्या था, लिक्विड है ना, ये सब सॉलिड है, लिक्विड। कंटेन द प्लाज्मा कंस्टिट्यूट द 50% मतलब 50% या 50% ऑफ द टोटल ब्लड ऑफ वैल्यू। यदि हमने कहा कोई बच्चे का 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो उसका परसेंट यदि निकालें तो लगभग कितना परसेंट रहता है उसमें, 55% या 50% कैसा होता है, टोटल ऑफ ब्लड का क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, समझ में आया। द कंपोज ऑफ 90% यदि प्लाज्मा की बात है, यदि प्लाज्मा की बात, यदि मैंने कहा प्लाज्मा है 50% 55 या 55 इसको हटाइए, ये तो ब्लड के अंदर होता है, यदि ये लाइन देखा जाए तो यदि प्लाज्मा का निकाला देखा जाए तो उसमें कहते हैं 90% क्या होता है, वाटर होते हैं, साल्ट होता है, लिक्विड होते हैं, ये मतलब सॉरी लिपिड होते हैं एंड हार्मोन्स भी होते हैं, समझ में आया, समझ में आया, कितने परसेंट इतने एंड 10% इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन, कहते हैं मतलब 10% में प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन, जैसे एल्बुलिन या ग्लोबुलिन, इन ऑर्गेनिक मिनरल आयन भी होते हैं, समझ में आया। यदि 90 का मतलब समझिए कि प्लाज्मा की बात कर रहा है, ये नहीं कि ब्लड की बात, ओनली प्लाज्मा में कितने परसेंट क्या होते हैं, वाटर होते हैं, तो ये समझिए क्या होते हैं, 90%। यदि हम यदि प्लाज्मा यदि ब्लड में पहुँचा जाए कि ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत है, तो आप देखेंगे कितने 55%। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लाज्मा की क्वांटिटी बता रहा है कि वाटर कितने हैं, लेकिन ये जब यदि 55% बात है तो ब्लड की क्वांटिटी में पूछ रहा है कि प्लाज्मा कितना है, ठीक है, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं अब द ब्लड, अब देखिए ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग या हार्ट मतलब ह्यूमन हार्ट क्या मतलब ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो मैंने बताया कि ब्लड का काम है क्या करना है, देखेंगे तो समझ गए कि कोई भी ब्लड के अंदर जो भी फ्लो हो करेगा, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले और जाना वाला, ठीक है, हार्ट का मेन काम ये है, ठीक है, आइए समझ में आएगा। पहला देखिए बिकॉज बोथ ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई हैव टू बी ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, मेन काम है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें, ब्लड के द्वारा, हार्ट पंप करेगा किसको, ऑक्सीजन को पंप तो करेगा नहीं, कोई ऐसा चीज़ होगा क्या करेगा, जिसको हम बॉडी के अंदर हमारा क्या होता है, ब्लड होता है ना, ठीक है। ये बताइए यदि कोई पंप चल रहा है मैं पानी लगाऊँ तो पानी फेंकेगी, हवा फेंकेगा नहीं ना, तो हवा मतलब हमारा ऑक्सीजन एक एयर ही तो है, ऑक्सीजन ही तो है, समझ में आया, तो कहने वो ब्लड को फ्लो करेगा, समझ में आया, मोटर हमारा क्या लिक्विड चीज़ को ही मतलब पानी को ही करेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं
हम कह रहे हैं द हार्ट इज द डिफरेंट चेम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेन इन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने के मतलब जो हमारा हार्ट होता है वो डिफरेंट प्रकार का चेम्बर, मतलब हार्ट में चेम्बर होते हैं, हमारे कितने चेम्बर हैं, 4 चेम्बर है। तो हार्ट में जो चेम्बर बने होते हैं डिफरेंट में, वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलने नहीं देते, मिलना मिलने के वजह ना मिलने मतलब मिक्स ना होने के लिए हमारे हार्ट में क्या होता है, चेम्बर होता है। चेम्बर में कहते हैं ह्यूमन में हमारा 4 चेम्बर होते हैं, क्या होते हैं, दो मतलब लेफ्ट में 2 चेम्बर और राइट में भी 2 चेम्बर होते हैं। समझ में आया, तो कहने मतलब 4 चेम्बर होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ना हो पाए, इसीलिए क्या कहते हैं, चेम्बर बना हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आप कह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब समझिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड यदि कोई कहा जाए कि भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट था, भैया ऑक्सीजनेटेड मतलब समझ में आता कि वो ऑक्सीजन है। ठीक है, वो हमेशा कौन से वेसल्स में चलते हैं, आर्टरी में ही चलते हैं, अभी समझ में आएगा एकदम। सुनिए द कार्बन डाइऑक्साइड या डी, यहाँ देखिए और सुनिए ध्यान दें, द कार्बन डाइऑक्साइड इज द डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजनेटेड हमारा ऑक्सीजन होता है भाई, डी ऑक्सीजनेटेड आप जान ही गए होंगे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रिच ब्लड हैज टू सर्च ऑफ द लंग फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी मूव्ड। कहने का मतलब यदि बॉडी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है तो कहाँ जाएगा भाई, वो लंग्स के तक जाएगा। लंग्स करने के बाद क्या होता है, हमारे मुंह से या नाक से क्या कहते हैं, एटमोसफियर में क्या होते हैं, CO2 निकल जाएगा। आगे दीजिए देखिए, अब कह रहा है ऑक्सीजनेटेड, मैंने समझा ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, समझ में आएगा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग हैड टू बी ब्रूट बैक टू द हार्ट। कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड मतलब यदि हम लंग्स हमारा क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, वो कहाँ पहुँचाता है बैक दोबारा, हार्ट में पहुँचाता है। और हार्ट पहुँचाने के बाद हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। समझ में आया, यदि आपसे पूछा जाए कि भैया कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो क्या कहते हैं बॉडी में ब्लड फ्लो कर, ब्लड फ्लो में क्या होता है, कौन सा डी ऑक्सीजनेटेड होता है कि ऑक्सीजनेटेड, तो आप बोलेंगे हमारे बॉडी में जो हार्ट जो फैलाता है मतलब पहुँचाता है वो हमारा कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन पहुँचाता है। और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हार्ट क्या कहता है, ऑर्गन बॉडी में होता है। ठीक है, वो कलेक्ट करके कहाँ जाता है, हार्ट में कलेक्ट करता है, फिर हार्ट के बाद हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। तो वही कह रहा है ये वाला, यदि ऑर्गन बॉडी क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड है, वो क्या होता है पूरे बॉडी को क्या कहता है, कलेक्ट करके लंग्स में पहुँचाता है। लेकिन जो डी ऑक्सीजनेटेड जो है वो लंग्स में हार्ट में पूरे बॉडी में पहुँचाना होता है, इसमें कलेक्ट करना इसमें पहुँचाना। आइए आगे देखते हैं, आइए हमारा डायग्राम है, ये जो ब्लू कलर के दिख रहा है ये रेड कलर के दिख रहा है, ध्यान दीजिए रेड और ब्लू में अंतर है। जो रेड है वो क्या होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नहीं समझ में आता, एकदम समझ में आएगा, देखिए ये नाम दिखे डी ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड ये हमारा लंग्स है, एकदम ये वाला एक बार समझ जाएंगे तो एकदम सही लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारा लंग्स है, क्या है हमारा लंग, तो कहने का मतलब है यदि मैंने कहा ये ऑर्गन है, ठीक है, यदि ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन कहाँ आया हार्ट में, तो हार्ट में हमारा 2 चेम्बर आएंगे, प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, NCERT लाइन मैंने लिखाया आप एकदम समझ में आए, बुक से भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कहा ऑक्सीजन कलेक्ट करता है ब्लड से, मैंने पता है ना एल्वियोलाई किसमें, ब्लड कैपिलरी में जाता है, ब्लड कैपिलरी के बाद क्या होता है ब्लड की एंट्री करता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन बाइंड करता है पकड़ के भाग जाता है, लेके हार्ट के पास आता है, ब्लड काम ही क्या हार्ट में ही जाना, जब वो लेके आता है हार्ट में तो वो क्या करता है फिर ब्लड निकलता है, ये देखिए ध्यान, और वो क्या है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन में जाता है। जब डिफरेंट पार्ट बॉडी में आगे में जाता है, यहाँ भी एक कैपिलरी, हर ऑर्गन में अपना एक कैपिलरी होता है। ठीक है, जो ऑर्गन जो भी चाहिए वो अपना क्या करता है छान के ले लेता है उसे, क्या अब ये जब देखिए अब डिफरेंट पार्ट बॉडी ऑर्गन से, यहाँ भी देखिए यहाँ भी गया ऑर्गन, ब्रेन भी तो हमारा एक ऑर्गन है, यदि कलेक्ट करे ये देखिए यहाँ कलेक्ट करता है, क्या करता है कलेक्ट कर लेता है किसको, डी ऑक्सीजनेट ब्लड को, क्योंकि वो बॉडी से ही क्या करता है हार्ट में कलेक्ट होता है डी ऑक्सीजनेट ब्लड, और वो फिर क्या वापस कहाँ जाता है लंग्स में, और लंग्स के बाद तो आप जान ही गए प्रोसेस क्या होता है, माउथ से बाहर आ जाएगा CO2। आगे देखिए आज समझिए, समझ में आएगा आपको, ये सिस्टोल और डायस्टोल। अब सिस्टोल डायस्टोल मतलब समझिए, मैंने अभी जब ये मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा हार्ट के बारे में कि भैया
पंप करने में, कॉन्ट्रेस्ट करने और रिलैक्स करने में पंप ब्लड कैसे फ्लो होता है, ठीक है। तो मतलब सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कार्डियल मसल, मतलब हार्ट हमारा क्या है, ये मस्कुलर तो है लेकिन कैसा मसल होता है, कार्डियल मसल होता है। तो क्या है? मसल कंट्रैक्ट करता है। सिस्टोल मतलब क्या, कंट्रैक्ट करना, कंट्रैक्ट मतलब नहीं ये बंद हो जाना कोई चीज़, कंट्रैक्ट मतलब किसी को पकड़ना, कंट्रैक्ट मतलब पकड़ेंगे ना तेज। तो क्या ब्लड को, हार्ट को क्या करता है, पंप कर मतलब दाबता है, कंट्रैक्ट करता है। तो मसल इज द सिस्टोल मतलब क्या, तो कंट्रैक्शन होता है, द सिस्टोल में ये होता है रिलैक्स करता है। भैया जब कोई चीज़ को पंप करेंगे तो बढ़ाने के लिए हमको, जैसे मान ली ट्यूब बैलून है, तो बैलून में कुछ भी भरा है मैंने, ठीक है, तो मैंने कहा अगले बैलून में भरने के लिए मैंने जोड़ दिया। देखिए ध्यान दीजिए, ये कोई बैलून है, ये कोई बड़ा टाइप जोड़ा है, ये हल्का खाली है भरा, तो इसका जो कोई लिक्विड इसमें भरना है तो इसके कहें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या करेगा, इसमें जाएगा ना, यदि इसको फिर वही भरना है तो इसको क्या होगा, रिलैक्स होना पड़ेगा, या अगले को रिलैक्स करके तभी भरेंगे। दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भर पाएगा क्या? जैसे कोई पहलवान है भाई, यदि कहता है कि कोई चीज़ लड़ाई हो तो एक कमजोरी होना ही पड़ता है, ठीक है, ये नहीं जल्दी होने हो ही गया ही नहीं। तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हमें देखेंगे कि इसका मैकेनिक, हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैसे फ्लो करता है, हार्ट में ब्लड कैसे जाता है, ठीक है, आइए देखिए समझ में आएगा। अब यहाँ ला देखिए, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप बाय द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आप समझिए मेन का, यदि ऑक्सीजन है जो है, जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में ही क्या करता है, शेयर करता है, शेयर मतलब घूमता है, क्या भाई लंग से आया हार्ट में, हार्ट के बाद क्या डिफरेंट बॉडी, मैंने वही समझाया, लंग्स के बाद क्या आता हार्ट में, आता हार्ट में क्या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जाता है, समझ में आया, ठीक है। अब समझ में आया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि भैया ब्लड का काम क्या है, तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और हार्ट में अपना सर्कुलेशन सिस्टम प्रोसेस क्या है, हार्मोन कहता है। आइए हम इसमें देखें, दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इज एनसीईआरटी लाइन, कल हम यही लाइन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमारा एक लेक्चर जरूर करिएगा, इसमें आपको ये अच्छा लगेगा कि हम हार्ट में कैसे पंपिंग स्टेप बाय स्टेप, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है, ठीक है, उसके डायग्राम के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। आई होप आज हमारा ये लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा, या समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो क्या करिएगा, जो हमने रोज़ बताते वही करिएगा। धन्यवाद।